नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग नेचुरल स्टोन्स के ऊपर बात करने वाले हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, कड़प्पा और शावर स्टोन। नेचुरल स्टोन्स जो फ्लोरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरिंग जैसे हमने टाइल्स के टॉपिक में देखा, इट इज जनरल टर्म परमानेंट कवरिंग ऑफ अ फ्लोर। अभी इसमें नेचुरल स्टोन्स में कौन कौन से फ्लोरिंग है वो हम देखेंगे। मार्बल फ्लोर, मार्बल फ्लोरिंग इंडिया के 5 बेस्ट व्हाइट मार्बल अपने इंटीरियर के लिए, अभी आगे मैं बताता हूँ। वाट एवर द कलर मार्बल है, ऑलवेज शोज द बेस्ट रिजल्ट। मतलब मार्बल के जो भी कलर रहेगा वो एकदम ही देखने में अट्रैक्टिव और अच्छा अपीयरेंस रहता है। मार्बल मेनली इंटीरियर्स के लिए, फ्लोरिंग्स के लिए बहुत ही अच्छा है और वॉल क्लैडिंग के लिए भी यूज किया जाता है। इसमें व्हाइट, ग्रीन, सफेद रंग का, हरा रंग का भी, ब्राउन, पिंक, रेड एंड ब्लैक, अलग अलग टाइप के कलर्स है जो इंडियन मार्बल अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है। मेनली ये मेटामॉर्फिक रॉक होने की वजह से पॉलिश करने के बाद चमकता है। मार्बल स्लैब, मेनली मार्बल स्लैब जो रहता है, मार्बल स्टोन ब्लॉक्स के हिसाब से एकदम हार्ड रहता है, इंटेंस और होमोजेनियस रहता है। हम लोग कुछ, अगर आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि एक रेजिस्टेंट स्टोन लाना है, तो आपको कुछ 5 इंडिया के जो बेस्ट व्हाइट मार्बल्स हैं उसके बारे में आप पहले सोचिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मकराना प्योर व्हाइट मार्बल, मकराना व्हाइट मार्बल है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। मेनली ये बहुत ही ड्यूरेबल है और शाइनर है, मतलब जैसे जैसे इसका टाइम निकलता है उसके हिसाब से इसका चमक बढ़ती रहती है। मेनली ये राजस्थान में पाया जाता है, ताजमहल, बिरला टेम्पल्स और अदर जो भी ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स जो भी है वो सब मकराना मार्बल से ही बने हुए हैं। मकराना व्हाइट मार्बल ही मेनली फ्लोरिंग के लिए भी यूज किया जाता है, उसका व्हाइट जो आउटस्टैंडिंग लुक है इसकी वजह से। उसका मेनली स्मूथ और शाइनी फिनिश है, मेनली वो वॉल क्लैडिंग के लिए भी यूज करते हैं। मकराना मार्बल ज्यादा से ज्यादा टिकने वाला और हाईली ड्यूरेबल है। ये मार्बल को कोई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इधर स्केच में आप देख सकते हैं मकराना प्योर व्हाइट मार्बल। अब ये ओपल व्हाइट मार्बल, ओपल व्हाइट मार्बल मेनली इंडिया, भारत के कुछ भागों में पाया जाता है। इसमें कैसा है, एक कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर रहता है और मेनली इसका स्लैब साइज बिग, मतलब बड़े साइज का ये अवेलेबल रहते हैं। ये बहुत ही प्योर कैलिसाइट, इट कैन बैक लाइट लाइक ऑनिक्स, मतलब प्योर कैलिसाइट होने की वजह से इट कैन बी बैक लीट लाइक ऑनिक्स। ओपल व्हाइट एक एलिगेंट और क्लीन लुक है। इसमें जो भी मतलब अपना मॉडर्न कंट्रीब्यूटिव किचन के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें हम लोग व्हाइट मार्बल जो है वो स्क्रैच कर सकते हैं, स्क्रैप कर और स्ट्रेन होता है, लेकिन इसका सॉफ्टर जो अपीयरेंस रहता है वो देखने के लिए अच्छा रहता है। अगर आप लोग इसको मेनली रिकमेंड करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो मेंटेनेंस के लिए भी ये ज़्यादा ये तकलीफ नहीं देता। मेनली ब्यूटीफुल एडिशन, मतलब देखने घर का एक खूबसूरती भी बढ़ाता है। नेचुरल स्टोन प्रोडक्ट मेनली सील टू इट्स लॉन्गिटिविटी, मतलब मेनली इसका ज़्यादा ड्यूरेबल होने की वजह से, लंबी लाइफ होने की वजह से इसका यूज किया जाता है। इस साइड में देखिए ओपल व्हाइट मार्बल, व्हाइट संगमनेर, संगमरमर मार्बल, व्हाइट संगमरमर मार्बल्स मेनली बहुत ही पॉपुलर मार्बल है। ये जो है मेनली रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग पे यूज किया जाता है। इसका मेनली यूज मेन प्योर व्हाइट कलर और उसका चमक, मतलब पूरा सफेद कलर और उसका चमक मेन है उसका प्रॉपर्टी। और ये संगमरमर मार्बल जो है मेन है
व्हाइट संगमरमर पत्थर, मेनली इसको पूरा सफेद पत्थर हम बोलते हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसका कलर भी एकदम चमकीला व्हाइट है। ये मेनली प्योर व्हाइट होने की वजह से इसका हीट रेजिस्टेंट नेचुरल है। इसको हम चीप भी है कॉस्ट के हिसाब से और अदर इसके हिसाब से ये बहुत ही चीप है, मतलब अदर पर नेचुरल स्टोन्स के हिसाब से। इधर अल्बेटा व्हाइट मार्बल ये बहुत ही फाइनेस्ट और ओल्डेस्ट मतलब पुराना मार्बल है। ये इसका मेन क्वालिटी है कि उसको कोई केमिकल रिइंफोर्समेंट और अदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, केमिकल ट्रीटमेंट या फिर अदर ट्रीटमेंट। उसमें कुछ पिन होल नहीं है और कोई पॉलिश की भी जरूरत नहीं है और इसका कलर भी अलग अलग इसमें अवेलेबल है। भाई अल्बेटा मार्बल मेनली पुराने समय से यूज किया जाता है, मेनली चर्चेस, टेंपल्स, मॉस्क्स सब जगह ये यूज किया जाता है, मेनली इंडिया में, और उसको अभी भी बहुत सारी डिमांड है। इसका बैकग्राउंड व्हाइट होने की वजह से मतलब सफेद होने की वजह से मेनली कम से इसमें एक काली लाइनिंग भी आती है। इसमें लाइनिंग अलग कलर से जब रहेगा तो वो अलग से भी उसमें रहता है, जो मेनली टॉप क्वालिटी ऑफ मकराना मार्बल्स रहता है वैसा सेम इसमें भी रहता है अलग टाइप का लाइनिंग। इसमें आप देख सकते हैं व्हाइट है, उसमें लाइनिंग भी दिख रहा है। अभी मेनली टाइमलेस टाइप्स ऑफ मार्बल मेनली एस्थेटिकली प्लीजिंग डिजाइन हेल्प डिस्कस वियर एंड हाइड माइनर स्ट्रेंस। मेनली मार्बल का जो स्टाइल रहता है वो दिखने में एकदम प्लीजिंग रहता है, इसका डिजाइन एकदम वियर और टियर निकालता है और माइनर स्ट्रेन भी दिखता नहीं उसमें। ये जो स्टोन रहता है इंटीरियर दिखने में हाई एंड लुक है और पोरस है, इसमें स्ट्रेनिंग होने का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तो, लेकिन प्रॉपर केयर लेने से मेंटेनेंस करने से ये ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है। इसका मेनली सीलिंग स्पेशल केयर लेना पड़ता है ताकि ये उसकी सुंदरता या अच्छा ज़्यादा देर तक टिकी रहे। अपने को मालूम है कि इंडिया अपना भारत जो भी है ये सब मार्बल प्रोडक्ट का पूरा एक हब है, मतलब सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं, मतलब अलग टाइप के बहुत सारे टाइप्स के मार्बल्स पाए जाते हैं, मतलब ब्लॉक्स, टाइल्स, स्लैब्स यानी और कुछ रेडीमेड आर्टिकल्स भी मार्बल्स के अपने भारत में पाए जाते हैं। उत्तरी भारत में जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम क्वारीज है उधर, वहाँ क्वारीज में मार्बल ब्लॉक्स और अलग टाइप के स्टोन्स के तैयार किए जाते हैं और वहाँ अलग अलग ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है। राजस्थान का मार्बल ऑल ओवर वर्ल्ड फेमस है। अभी ग्रेनाइट के बारे में बात करेंगे। ग्रेनाइट एक बहुत ही अच्छा मैग्नीशियम मटेरियल है, बहुत ही ड्यूरेबल मतलब टिका हुआ और ग्लॉजी भी है और ये एक टाइप का सबसे पुराना स्टोन है, अलग अलग फ्लोरिंग के लिए यूज किया जाता है। आपको ग्रेनाइट अलग अलग टाइप के इसमें मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जैसे होम हो, ऑफिस हो, अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं। ग्रेनाइट आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं, पोर्च में, पार्किंग में, स्विमिंग पूल में, अलग अलग टाइप के हिसाब से जैसा फिनिशिंग है उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इवन जनरली टाइल्स मतलब 60x30x2 या 3 सेंटीमीटर या फिर 60x60x2 या 3 सेंटीमीटर के टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं ग्रेनाइट फ्लोरिंग के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रेनाइट को वेरिएशंस कम है, मतलब ग्रेनाइट का मेन क्या है, ग्रेनाइट शुड हैव लेस वेरिएशन और पैटर्न्स अलग अलग है, इसके लिए दिखने में भी अलग अलग सुंदर ब्यूटीफुल इसमें आ सकते हैं। और इसमें वेरिएशन अगर ज़्यादा रहेगा मतलब तो फ्लोरिंग कैसा दिखने में अच्छा नहीं दिखता,
ग्रेनाइट में वेरिएशन कम होने की वजह से वो फ्लोरिंग अच्छा लगता है। अभी फ्लोरिंग टॉप 10 ग्रेनाइट कौन कौन से, ये देखिए, कश्मीर वाइट, प्लैटिनम वाइट, एब्सोल्यूट ब्लैक, ब्लैक गैलेक्सी, क्रिस्टल येलो, टैन ब्राउन, रोजी पिंक, राजस्थान ब्लैक, स्टील ग्रे, विस्कॉन वाइट। इसमें से ये अलग अलग टाइप के ये है, इसमें अपने यहाँ यूज होने वाले भी बहुत सारे ग्रेनाइट हैं। कश्मीर वाइट, कश्मीर वाइट ग्रेनाइट मेनली सबसे ज्यादा ड्यूरेबल और ग्लॉसी मटेरियल है। ये एक यूनिफॉर्म मटेरियल है, सबसे मतलब फ्लोरिंग के लिए एक आइडियल चॉइस है। इसका साइज अलग अलग आता है, 60x30 आता है, 60x60 सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ, 24x24 इंच, 12x24 इंच, अपने फ्लोरिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इसका थिकनेस भी 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर रहता है, अच्छे ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए। अच्छा ड्यूरेबल स्ट्रेंथ के लिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर थिकनेस वाले ग्रेनाइट प्रेफर किए जाते हैं। कश्मीर वाइट ग्रेनाइट जो रहता है ये रिकमेंडेड ग्रेनाइट है किचन टॉप्स में और फ्लोरिंग्स में भी। इधर साइड में स्केल दिख रहा है। और प्लैटिनम वाइट, प्लैटिनम वाइट ये एकदम ब्राइट कलर का मटेरियल है और इकोनॉमिकल है, चीप है। इसका एडवांटेज है प्लैटिनम वाइट ग्रेनाइट प्राइस मतलब चीप होने की वजह से बेटर एडवांटेज है। ये ऑल वेदर ग्रेनाइट है और अच्छा टिकने वाला भी है। ये ग्रेनाइट पॉलिश में भी अवेलेबल है, फ्लेम में भी अवेलेबल है, लेजर फिनिशिंग में भी अवेलेबल है। और कैसे है पॉलिश हर टाइप का हम करके यूज कर सकते हैं, पॉलिश करके यूज कर सकते हैं, फ्लेम करके यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइप का फ्लोरिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका साइज है 60x30, 60x60, 24x24 मतलब 60x30 सेंटीमीटर, 60x60 सेंटीमीटर। और प्लैटिनम वाइट ग्रेनाइट अलग अलग फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं। मेनली ग्रेनाइट ये किचन टॉप के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये साइड में स्केच दिख रहा है। एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट एक टाइप का फ्लोरिंग मटेरियल है, इसमें मेनली पॉपुलर है इसके साइज के हिसाब से। इसका मेनली क्या है, मेनली इसका इकोनॉमिकल है, चीप है एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट। और स्लैब्स अलग अलग जो साइज में रहता है, 24x24 इंच, 24x12 इंच, 60x30 सेंटीमीटर, 60x60 सेंटीमीटर, अलग अलग साइज के मिलते हैं। ये ग्रेनाइट अलग टाइप साइज में भी यूज कर सकते हैं। एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट एक साइड में स्केच दिख रहा है। ब्लैक गैलेक्सी, ब्लैक गैलेक्सी एक ड्रायर टाइप का ग्रेनाइट फ्लोरिंग है, इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन अवेलेबल हो सकते हैं। एब्सोल्यूट ब्लैक गैलेक्सी ऑल्सो पॉपुलर है, ये मतलब एब्सोल्यूट ब्लैक ग्रेनाइट फीचर है, ये भी बहुत ही लोकप्रिय फ्लोरिंग है और अलग प्रीमियम चॉइस भी है ये फ्लोरिंग। प्राइस रेंज इसका वेरी अफोर्डेबल है, इसलिए जनरली ये ज़्यादा पॉपुलर है, किचन काउंटर पार्ट्स के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद साइज उसका 24x24, 24x12 इंच में भी अवेलेबल है और अलग टाइप का फ्लोरिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। इस साइड में स्केच दिख रहा है। क्रिस्टल येलो, क्रिस्टल येलो ये मोस्ट यूज कर मतलब ये भी ज़्यादातर यूज किया जाने वाला ग्रेनाइट है। इस ग्रेनाइट में एक ब्राइट कलर आता है जो एकदम इंडोर या इंटीरियर के लिए यूज कर सकते हैं। एक मोस्ट यूनिफॉर्म टाइप का ग्रेनाइट है, इवन दिस क्रिस्टल्स मतलब इसमें क्रिस्टल टाइप का एक पैटर्न भी आता है। ये देखने में एकदम चमकदार है और लो लाइट एरिया जहाँ अंधेरा वगैरह है, डार्क एरिया है, उधर ये ज़्यादातर यूज कर सकते हैं। इसका साइज भी ऐसे 60x30 सेंटीमीटर, 60x60 सेंटीमीटर में, और थिकनेस इसका 1.8 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर में मिल सकता है। ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और वेदर फ्रेंडली ग्रेनाइट है, इंडोर और एज वेल एज आउटडोर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये अलग टाइप का एज ए टाइल्स भी आप यूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल एरिया में भी ये यूज कर सकते हैं। इस साइड में स्केच दिख रहा है। अभी टैन ब्राउन, टैन ब्राउन एक डार्क टाइप का ग्रेनाइट है जो ब्लैक गैलेक्सी और एब्सोल्यूट ब्लैक की तरह यूज किया जाता है। इसका साइज भी 60x30 सेंटीमीटर और 60x60 सेंटीमीटर है।
ये बहुत ही हार्ड ड्यूरेबल ग्रेनाइट है, ये फ्लेम्ड पॉलिश्ड टाइप यूज कर सकते हैं। इसमें मतलब लेदर फिनिशिंग के लिए और फ्लोरिंग में भी आप अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ये टाइप मेनली कंबाइंड ऑफ मून व्हाइट ग्रेनाइट और व्हाइट एंड ब्राउन ग्रेनाइट, ये तीनों का मिक्सचर है। ये साइड में आप स्केच देख रहे हैं। रोजी पिंक, रोजी पिंक एक बहुत ही इनएक्सपेंसिव ब्यूटीफुल पिंक ग्रेनाइट है जो अपने भारत में मिलता है। इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत ही हाई है और इसका मेंटेनेंस बहुत ही कम है। ये ग्रेनाइट हम लार्ज एरिया जहाँ है फ्लोरिंग है वहाँ यूज कर सकते हैं। ये एक यूनिफॉर्म टाइप का मटेरियल है, इसको सीलिंग का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, हाई पॉलिशिंग की जरूरत पड़ती है। ये मेनली 30x30 सेंटीमीटर 60x60 सेंटीमीटर में यूज होता है। इसका प्रीमियम मटेरियल अगर आपको चाहिए तो अफोर्डेबल प्राइस में भी ये मिल सकता है। साइड में स्केच देखिए। अभी राजस्थान ब्लैक एक अच्छा टाइप का फेबुलस मोस्ट यूज किया जाना है ग्रेनाइट है। इसमें व्हाइट मार्बल और प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट के हिसाब से ये करते हैं, मतलब अगर इसके साथ यूज किया तो व्हाइट मार्बल और प्लेटिनम व्हाइट ग्रेनाइट के साथ बहुत ही अच्छा दिखता है। ये बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल ग्रेनाइट है। ये अलग अलग साइज में अवेलेबल है, 30x30 साठ में, और अलग अलग इसका फ्लोरिंग के लिए भी यूज किया सकते हैं। स्टील ग्रे एक सिल्वर ग्रे टाइप का ग्रेनाइट है। ये सिल्वर पर मतलब समुद्री मोती जो जैसे हम बोलते हैं ना उसके हिसाब से दिखता है, और ये भी बहुत ही लोकप्रिय है इंडिया अपना भारत में भी और पूरे वर्ल्ड में भी। ये मेनली कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट और डार्क कलर दोनों का मिक्सचर है। ये बहुत ही हार्ड ड्यूरेबल है, अवेलेबल अलग अलग साइज में और फिनिशिंग में, और ये जैसा मेनली अफोर्डेबल है, वेरी अफोर्डेबल है, और इसका क्वालिटी है स्टील ग्रे इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पॉपुलर, मतलब ये इसके क्वालिटी की वजह से ये बहुत ही पॉपुलर और रिलायबल ग्रेनाइट है। इसका साइज 60x30 सेंटीमीटर 60x60 सेंटीमीटर में अवेलेबल हो सकता है। इस साइड में स्केच देखिए। अभी विस्कॉन व्हाइट भी एक अफोर्डेबल प्रीमियम ग्रेनाइट है। इसका साइज 30x30 या 60x60 सेंटीमीटर है। ये ग्रेनाइट मध्यम से हाई वेरिएशन तक आता है। इसमें मतलब लाइट कलर विस्कॉन व्हाइट ग्रेनाइट भी एडजस्ट किया रहता है। ये हाई क्वालिटी फ्लोरिंग जनरली बेडरूम, बाथरूम या आउटर एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में या कमर्शियल एरिया में यूज कर सकते हैं। ये साइड में स्केच है। अब ये पूरे जो ग्रेनाइट्स है मेनली ड्यूरेबिलिटी, उसका टिकाऊ मतलब कितना टिकते हैं, उसका बाद में ब्यूटी देखने कितना आकर्षक सुंदर और प्लीजेंट रहता है, वेदर प्रूफिंग रहता है उसके हिसाब से, और फिर इकोनॉमिकल उसके हिसाब से देखना पड़ता है। इसमें टॉप 10 ग्रेनाइट हमने लिस्ट बनाया है। इसका हाई क्वालिटी जो है वो आइडियल चॉइस है ऑफिसेस के लिए, रेसिडेंसेस के लिए, लार्ज प्रोडक्शन के लिए। अभी अपना भारत में कैसा है, वैरायटी ऑफ ग्रेनाइट्स अवेलेबल है जो 150 से भी ज़्यादा शेड्स में अवेलेबल है। मेनली ग्रेनाइट अपने यहाँ इंडिया में, भारत में अलग अलग स्टेट में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी मिलते हैं। अभी कड़प्पा स्टोन ये लाइम स्टोन है। मेनली कैसा रहता है वो सेडिमेंटरी रॉक में भी अवेलेबल होता है, और कैल्साइट और एर्गोनाइट से बनाया हुआ रहता है। मेनली ये स्लैब टाइल्स वाटर सोल्यूबल सेडिमेंटरी रॉक है। ज़्यादातर ये फ्लोरिंग, किचन ओटा और अदर वर्क्स में यूज किया जाता है। किचन ओटा में आपने ज़्यादातर देखा होगा है कड़प्पा स्टोन। अभी शाहबाद स्टोन है जैसा जहाँ ज़्यादातर पेडिस्ट्रियन मतलब ट्रैफिक है, पैसेज है, वरांडा है, उधर ज़्यादातर यूज किया जाता है क्योंकि इसका वीआर और टीआर सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही ये वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज करते हैं, वर्टिकली फेस लगाने के लिए, फ्लोरिंग, फुटपाथ, कर्बिंग, पार्किंग, और उसका नॉन पोरोसिटी की वजह से वाटर प्रूफिंग में भी यूज करते हैं। इस साइड में स्केच दिया है।
देख लीजिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अगर पहली बार मेरा चैनल आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।